हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आई एम नेहा सेठी एंड वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे लॉर्ड स्टील शेयर के बारे में। इस शेयर से रिलेटेड एक और अपडेट आया है, सो वो मुझे आपके साथ शेयर करना है। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल को किया है फर्स्ट टाइम विजिट तो प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करंट प्राइस चल रहा है लॉर्ड स्टील का 14 रुपीज। आप सबको पता है 2 मंथ से कंसोलिडेशन जोन में मूव कर रहा है 13 to 17। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो इसका एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं इसमें, क्योंकि ये शेयर आपको 13 to 17 के बीच में ही मूवमेंट करता दिख रहा है। बट ये कब ब्रेकआउट लेगा और कब ये दोबारा अपने 52 वीक हाई को क्रॉस करेगा? फ्रेंड्स, इसका 52 वीक हाई है 28 के आसपास। तो करेंट प्राइस चल रहा है फ्रेंड्स 14 रुपीज। फ्रेश एंट्री लेने के लिए 13 to 14 का प्राइस सबसे बेस्ट है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स लेके चल सकते हैं टारगेट 17 रुपीज का, एंड लॉन्ग टर्म तो इसे होल्ड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फ्यूचर में आपको 100 रुपीज क्रॉस करता इजीली दिखेगा। फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, जो कि इसका सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। 5 डेज का रिटर्न अभी नेगेटिव में दिया है -4%, एंड 1 मंथ का रिटर्न भी नेगेटिव में दिया है -15%। फ्रेंड्स, एक गुड न्यूज़ ये है कि लास्ट सेशन में इसमें एक AMO ऑर्डर लगा हुआ है 17,980 का एट द रेट ऑफ 13.90। तो फ्रेंड, अगर मार्केट मंडे को ओपन होती है तो अगर यह AMO ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो आपको दोबारा से ये शेयर अपर सर्किट में ज़्यादा दिखने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फ्रेंड्स, 13 अप्रैल को एक न्यूज़ आई है, वो न्यूज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी है। न्यूज़ ये है कि डोमेस्टिक स्टेनलेस स्टील डिमांड एक्सपेक्टेड टू रीच 20 MT बाय द ईयर 2047। तो फ्रेंड, आपको सबको पता है कि स्टेनलेस स्टील की डिमांड बहुत बढ़ रही है। ये न्यूज़ मैंने आपको पहले भी दी थी कि जो स्टील की प्रोडक्शन है वो इंडिया में अब ज़्यादा होगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि स्टील सेक्टर के जितने भी शेयर्स हैं वो आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न देखने को मिलेंगे। बात करते हैं फ्रेंड्स होल्डिंग की। तो प्रोमोटर्स होल्डिंग है 53.41, DII की होल्डिंग है 0.06%, म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है 0.04%, एंड पब्लिक की होल्डिंग है 46.53%। FII की होल्डिंग भी है फ्रेंड्स 0.01%। Q3 के रिजल्ट्स इसके आए थे फ्रेंड्स 27 जनवरी 2022 को। अब वेट है फ्रेंड्स आपको Q4 का रिजल्ट्स आने का। बहुत से लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछ रहे हैं कि मैम Q4 का रिजल्ट्स कब आएगा, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, Q4 का रिजल्ट आने का एक्सपेक्ट किया जा रहा है 1st week of May में। तो आप सबको वेट करना है, जैसे ही रिजल्ट आता है डेफिनेटली वीडियो के थ्रू अच्छी तरह समझाऊंगी कि रेवेन्यू क्या हुआ, PAT क्या हुआ, सब कुछ समझाऊंगी फ्रेंड्स, और ये भी बताऊंगी कि शेयर को आपको होल्ड करना है कितनी देर तक। तो टेंशन मत लीजिए, जैसे ही रिजल्ट आता है या अपडेट आता है डेट का तो डेफिनेटली फ्रेंड्स वीडियो के थ्रू जरूर बताऊंगी लॉर्ड स्टील के बारे में। ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, 1994 में एस्टैब्लिश हुई थी। मार्केट कैप है 1,249.19 करोड़ का। महाराष्ट्र से बिलोंग करती है कंपनी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि 30 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक कोई चेंजेस नहीं है प्रोमोटर होल्डिंग में। DII की होल्डिंग में भी कोई चेंजेस नहीं है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, प्रोमोटर्स को इस कंपनी में पूरा ट्रस्ट बना हुआ है, आपको भी ट्रस्ट रखना है। थोड़ा सा शेयर नीचे ऊपर जाए तो फ्रेंड्स पैनिक मत होइए, बट बिकॉज अगर आप लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट रखते हो तो ये शेयर आपको 100 रुपीज क्रॉस करता आराम से दिखेगा। शॉर्ट टर्म का टारगेट मैंने आपको 17 रुपीज दे रखा है। जो लोग प्रॉफिट बुकिंग करके निकलना चाहते हैं निकल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही अच्छी है। प्रोमोटर्स होल्डिंग सेम है। अब जैसे ही Q4 का रिजल्ट आता है दोबारा वीडियो बना के बताऊंगी कि कोई चेंजेस प्रोमोटर होल्डिंग में, DII में, FII में या अदर्स में कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं, डेफिनेटली आपको वीडियो के थ्रू जरूर बताऊंगी। आज का अपडेट यही था फ्रेंड्स कि डोमेस्टिक स्टेनलेस स्टील डिमांड एक्सपेक्टेड टू रीच 20 MT बाय 2047। तो डिमांड बढ़ रही है फ्रेंड्स, डिमांड ऑलरेडी फ्रेंड बढ़ी हुई है और आगे आने वाले टाइम में और भी बढ़ेगी। तो आपको अगर कोई स्टील सेक्टर का पहले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो बेस्ट है, फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, ROE पॉजिटिव है, ROCE पॉजिटिव है, जो कि पेनी स्टॉक में देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड डेप्ट आप सबको पता है ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। सो दिस इज द अपडेट अबाउट लॉयड स्टील कंपनी। फ्यूचर में कोई और अपडेट आता है तो डेफिनेटली वीडियो के थ्रू जरूर बताऊंगी, इसलिए बेल बटन को प्रेस करना मत भूलेगा सो दैट अपडेट मिस ना हो सके। शॉर्ट टर्म टारगेट अगेन 17 है, लॉन्ग टर्म टारगेट मैंने आपको 50 रुपीज का फ्रेंड्स दिया ही हुआ है, होल्ड करिए, ज्यादा से ज्यादा 100 भी क्रॉस होता आराम से दिख जाएगा। तो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट लॉयड स्टील। कोई डिफरेंट अपडेट आता है तो डेफिनेटली वीडियो के थ्रू जरूर अपडेट करूंगी। थैंक यू सो मच।